नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे करी पत्ता यानी कि मीठे नीम के बारे में। इस पौधे को कैसे लगाना है, कैसे इसकी मिट्टी तैयार करनी है, कैसे इस पौधे की देखभाल करनी है ताकि ये पौधा सालों साल चले, पौधा हरा भरा बना रहे, पौधे में पत्तियों की संख्या अधिक हो, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। दोस्तों करी पत्ता का उपयोग हम खाने के अलावे स्किन केयर के लिए, दवा बनाने के लिए, बालों की देखभाल के लिए भी करते हैं और इस पौधे की देखभाल करना काफ़ी आसान है। तो इस पौधे को हम दो तरीके से लगा सकते हैं, या तो बीजों से लगा सकते हैं या फिर स्टेम कटिंग के द्वारा भी इसे हम लगा सकते हैं। इसके बीज 8 से 10 दिनों के अंदर ही अंकुरित हो जाते हैं, तो अगर आपको इसके बीज कहीं से मिल जाते हैं तो आप इस पौधे को बीजों से भी उगा सकते हैं या फिर नर्सरी से आपको ये पौधा 20 से 40 रुपए के अंदर मिल जाएगा। वैसे इसका कीमत साइज़ के ऊपर भी डिपेंड करता है, तो आप खरीद करके भी इस पौधे को लगा सकते हैं। नर्सरी से लाने के बाद आप इस पौधे को ज़मीन और गमले दोनों में ही लगा सकते हैं। ज़मीन में लगाते हैं तो इस पौधे को बहुत ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत नहीं पड़ती है, सिर्फ मिट्टी में खाद मिलाना है और इस पौधे को लगा देना है। लेकिन अगर आप इस पौधे को गमले में लगाते हैं तो इसकी मिट्टी को वेलड्रन बनाना होगा। करी पत्ता के पौधे को नमीयुक्त और वेलड्रन मिट्टी पसंद है, तो मिट्टी बनाने के लिए यहाँ मैंने 50% गार्डन सॉइल, 40% खाद और 10% रेत लिया हुआ है। आप चाहें तो इसमें कोकोपीट भी मिला सकते हैं। खाद के तौर पे आप वर्मी कंपोस्ट, किचन वेस्ट कंपोस्ट या काउडंग कंपोस्ट या फिर पत्तियों की खाद ले सकते हैं। करी पत्ता के पौधे को पत्तियों की खाद काफ़ी पसंद है। साथ ही मैं यहाँ दे रही हूँ 1 से 1.5 मुट्ठी नीम की खली। नीम की खली पौधे की जड़ों को चींटियों और कीड़े मकोड़े से बचाता है, साथ ही ये आगे चलकर फर्टिलाइज़र की तरह भी काम करता है। साथ ही मैं यहाँ दे रही हूँ थोड़ी सी हल्दी। हल्दी एक नेचुरल फंगीसाइड की तरह काम करता है, यह पौधे को फंगस लगने से बचाता है और साथ ही ये पौधे की ग्रोथ को भी बढ़ावा देता है। हल्दी पाउडर की मात्रा बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, आधा चम्मच से भी मैं थोड़ा कम ही इसमें मिला रही हूँ। इन सभी को अच्छे से मिला लेना है। इस तरह से तैयार मिट्टी वेलड्रेंड होती है जिससे कि पानी ज़्यादा देर गमले में नहीं ठहरता है। तो इस तरह से अगर मिट्टी को तैयार किया जाए तो खासकर बरसात के मौसम में जिस वक्त गमले में पानी के ठहरने की संभावना अधिक रहती है वो नहीं होगा और पौधा हमेशा स्वस्थ बना रहेगा। अब बात कर लेते हैं गमले की। तो करी पत्ते के पौधे को अगर मिट्टी के गमले में लगाया जाए तो सबसे अच्छा रहता है, लेकिन अगर आपके पास मिट्टी का गमला नहीं है तो आप इसे सीमेंट या प्लास्टिक के गमले में भी लगा सकते हैं, लेकिन आप चेक कर लें कि उसमें ड्रेनेज होल दुरुस्त हो। तो यहाँ मैंने ड्रेनेज होल को गमले के छोटे टुकड़े से कवर कर दिया है ताकि मिट्टी गमले से बाहर ना निकले। तो अब मैं यहाँ ले रही हूँ सूखे फूल और पत्तियाँ। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप सूखे घास या फिर मूंगफली के छिलके, या वो भी नहीं है तो आप छोटे छोटे कंकड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब मैं यहाँ इन फूल और पत्तियों का एक लेयर बना लूँगी और इसके ऊपर मिट्टी डालूँगी जिससे कि ये फूल और पत्तियाँ कुछ दिनों के बाद डिकम्पोज हो जाएंगे और आगे चलकर ये फर्टिलाइज़र के तरह भी काम करेंगे। और अब अपेक्षित ऊंचाई तक मिट्टी को गमले में भर लेना है। अगर आप चाहते हैं कि करी पत्ता का पौधा तेज़ी से बढ़े, इसमें पत्तियों की संख्या अधिक हो, पौधा स्वस्थ रहे, तो इसमें एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल ज़रूर करें और वो है चावल का पानी। चावल को धोने के बाद जो पानी बच जाता है आप उसे फेंके नहीं बल्कि उसे करी पत्ता के पौधे के गमले में डाल दें। इस फर्टिलाइज़र का उपयोग आप हर 15 दिनों के अंतराल में एक बार करें और अगर हो सके तो सप्ताह में एक बार इस पानी का इस्तेमाल ज़रूर करें। इससे आप देखेंगे कि पौधा काफ़ी तेज़ी से बढ़ेगा, पौधा स्वस्थ रहेगा और उसमें पत्तियां भी हरी भरी बनी रहेंगी। और अब पौधे को पॉलीबैग से निकालकर गमले के बीचों बीच बिठा लेना है। वैसे तो कड़ी पत्ता का पौधा एक सन लविंग प्लांट है, लेकिन गर्मियों के तेज धूप से इस पौधे को ज़रूर बचाएं वरना इसकी पत्तियाँ धीरे धीरे मुड़ने लगती हैं और ख़राब होने लगती हैं। अगर हो सके तो गर्मियों के समय इस पौधे को आप ग्रीन नेट के नीचे रखें या किसी छायेदार जगह में रखें जहां सुबह की 1-2 घंटे की धूप और शाम की 1-2 घंटे की धूप आती हो। सर्दियों के समय आप इस पौधे को फुल सनलाइट में रख सकते हैं।
बात करें पानी की तो इस पौधे को नमी युक्त मिट्टी पसंद है। गर्मियों के दिनों में आप इस पौधे को प्रतिदिन पानी दें। सर्दियों में इस पौधे के पानी देने से पहले मिट्टी को चेक कर लें। अगर मिट्टी गीली हो तो पानी ना दें, अगर मिट्टी ड्राई होने लगे तभी इसमें पानी दें। करी पत्ते के पौधे को अगर आप घना बनाना चाहते हैं तो जब ये पौधा लग जाए, अच्छे से सेट हो जाए, जब इसमें कुछ नई पत्तियां निकलनी शुरू हो जाए तो आप इसके मुख्य तने को थोड़ा सा ऊपर से काट दें। आप देखेंगे कि जहां से पौधे को काटा गया है उसके नीचे से दो तीन ब्रांचेज और निकलने लगी हैं। इस तरह से दो तीन बार प्रूनिंग कर देने से पौधा काफ़ी घना हो जाएगा। और अब पौधे को लगाने के बाद उसमें पानी देना है। पानी देने के पहले पानी में एक चम्मच इप्सम सॉल्ट जरूर मिला लें। इप्सम सॉल्ट मिलाने से पौधे में क्लोरोफिल की मात्रा बढ़ती है, जिससे इसकी पत्तियां स्वस्थ रहती हैं, हरी भरी रहती हैं और साथ ही लगाने के कारण पौधे में जो शॉक लगता है उससे भी ये पौधे को बचाता है। तो इस तरह से करी पत्ते के पौधे को अगर लगाया जाए, उसकी देखभाल की जाए, उसकी मिट्टी इस तरीके से तैयार किया जाए तो पौधा काफ़ी तेज़ी से बढ़ेगा और जल्दी घना और हरा भरा हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।